नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतीत के झरोके से। मैं दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर, और आज की कहानी जुड़ी हुई है हमारे देश के वीर महापुरुष वीर छत्रपति महाराज शिवाजी के गुरुदेव दादाजी कोंडादेव से। बट इसके पहले दोस्तों एक अनुरोध आपसे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आप कहानी सबसे पहले अपने इनबॉक्स में देख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये दादा कोंडादेव से संबंधित है। शिवाजी महाराज के दरबार में अनेक शूरवीर और महारथी थे। दादाजी कोंडादेव उनके प्रमुख थे। वह शिवाजी महाराज को शस्त्र विद्या सिखाते और उनके प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। एक बार वह अपने दरबार से अपने घर वापस जा रहे थे। उनके घर का रास्ता राजा के बाग से गुजरता था। बाग से गुजरते समय उनकी नज़र पेड़ पर लटके बड़े बड़े आमों पर पड़ी। बड़े बड़े आम देखकर उनका मन उन्हें तोड़ने का हो गया। वह पेड़ से तोड़कर कुछ आम अपने घर लेकर चले गए। जब वो घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने बड़े बड़े आम देखकर पूछा, इन्हें आप कहाँ से लाए? वह बोले, राजा के बगीचे से। फिर पत्नी ने पूछा, क्या आपने इसके लिए राजा से पूछा था? यह सुनकर कोंडादेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका मन ग्लानी से भर गया। इसकी सजा के बारे में पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सुझाया कि भाई चोरी के लिए बड़े हुए हाथों को तो सजा के तौर पर काट देना चाहिए। सुनते ही दादाजी कोंडादेव ने अपने हाथ काटने के लिए तलवार निकाली, किंतु पत्नी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि खुद को इतनी क्रूर सजा देना ठीक नहीं, इससे आपका ही नहीं देश का भी नुकसान होगा। भविष्य में आप राजा शिवाजी का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और देश को बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कोंडादेव को समझाया, आप अभी प्रण लें कि फिर कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, और प्रतीकात्मक सजा के रूप में उन्होंने उनके कुर्ते की दोनों बाहें काटने की सलाह दी। कोंडादेव ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह बिना बाँह वाला कुर्ता पहनकर दरबार में गए तो सभी दरबारी उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब दरबारियों ने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सारे दरबारी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद कोंडादेव ने अपना पूरा जीवन बिना बाँह वाला कुर्ता ही पहना, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास जीवन भर होता रहे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी दादाजी कोंडादेव से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।